एक बार की बात है, मोना भाभी रात में कहीं से लौट रही थी और वो अपने घर की तरफ चलते हुए जा रही थी। तभी उन्हें कोई डरावनी आवाज सुनाई दी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद भाभी जी फिर से चलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद भाभी जी के पास अचानक से एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर भाभी जी काफी डर जाती हैं। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वो बिल्ली कहीं गायब हो जाती है। मोना भाभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद भाभी जी फिर से आगे चलने लगती हैं। इतने में भाभी के ऊपर से कोई उड़ती हुई चीज दिखाई देती है और भाभी जी जैसे ही ऊपर देखती हैं, वो चीज अचानक से कहीं गायब हो जाती है। फिर तभी उस भाभी के सामने एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है। उस चुड़ैल को देखते ही भाभी जी एकदम डर जाती हैं और वहां से तेजी से भागने लगती हैं। भाभी जी को भागता देख वो चुड़ैल भी उनके पीछे लग जाती है। भागते भागते भाभी जी कुछ देर में अपने घर के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर काफी ज्यादा रोशनी होती है। इतनी रोशनी को देखकर वो चुड़ैल रुक जाती है और वहां से चली जाती है। उस चुड़ैल के वहां से जाने के बाद भाभी जी राहत की सांस लेती हैं और फिर अपने घर में चली जाती हैं।